नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे आप सभी? आज का ये सेशन जो होगा वो स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो सिंपल वे में कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड जो है ये वीडियोस है आज के, और आज हम इस चीज़ को जानेंगे, परखेंगे और चेक भी करेंगे कि कैसे हम जो है फिल्टर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें ज़रूरत होती है फिल्टर करने के लिए। तो सो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कारण सिर्फ एक ये है कि चीज़ें बीच में क्विट करने या स्किप करने से क्या होता है कि आधा अधूरा नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यू नो। सो आज चलते हैं और जो है इसके जो है तीन पार्ट्स जो है स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। वीडियोस जो बनेगा वो तीन पार्ट्स के, फर्स्ट आज जो है हम स्टॉक सिलेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, और देखने के बाद जो है नेक्स्ट जो होगा हमारा, चूंकि क्या होता है मेरा अपना क्योंकि तो बैक टेस्टेड बहुत जरूरी होता है चीज़ों में, आपको पता है कि आप भी करते होंगे, सभी करते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजीज या कोई भी फिल्टर या कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले खुद जो बताता है बंदा या फिर जो भी कैंडिडेट होते हैं जो क्या करते हैं, पहले खुद उस पर टेस्ट करते हैं कि ये हमारे उम्मीदों पे खरा उतर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम आज जो है ये चीज़ों को हम देखेंगे आज। तो सो आपको सबसे पहले क्या करना है फिल्टर के लिए कि आप जो है, ठीक है, चार्ट इंक जो आपका है, ठीक है, आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। चार्ट इंक जो है charting.com, यहाँ पे स्क्रीन आप किसी भी कर सकते हो, जहाँ पे आपका इच्छा हो स्क्रीनर जहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है क्रिएट स्कैन, ठीक है, और चीज़ों को क्या क्या चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा होगा, देखिए अभी कैश या फ्यूचर, तो हम फ्यूचर को ले लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेने के बाद जो है आप कैश भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्यूचर को लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो है फिल्टर लगाना है, ठीक है। फिल्टर कैसे लगाएंगे, तो देखिए हमारा जो चीज़ें क्लोज होनी चाहिए, क्या प्राइस क्लोज होगा किससे ग्रेटर देन, जो प्राइस क्लोज हुआ होगा वो अधिक होगा, मतलब ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा किससे बताएं आप, वो किससे होगा 100 से। अब मतलब इसका क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि जो हमारा प्राइस होगा वो 100 रुपये से अधिक वाला होगा, जो 100 रुपये से अधिक में क्लोज हुए हैं वो प्राइस का चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ सारी चीज़ का मतलब, ठीक है। फिर क्या चाहिए दोस्तों, फिर हमें चाहिए कि भाई जो वैल्यूम होवे, जो वैल्यूम होगा वो भी ग्रेटर देन होगा किससे, हमारा भाई वैल्यूम तो ग्रेटर देन चाहिए ना, ठीक है। वैल्यूम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कितने से कम हमको 1 लाख 1 लाख का वैल्यूम चाहिए चाहिए, ठीक है। क्यों कि भाई 100 रुपये, देखो आपको पता है 100 रुपये से नीचे का शेयर जो होता है पैनी स्टॉक होता है, आपको पता है, ठीक है। और दूसरा आप ग्रेटर द वैल्यूम अगर 1 लाख से अधिक होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि शेयर मैनिपुलेट नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का जो है बीच में कह सकते हैं एक तरीके से कि बीच में धोखाधड़ी वाला केस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है 1 लाख से नीचे होता है तो मैनिपुलेट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसमें क्या होता है मैनिपुलेट नहीं होता, क्योंकि जो है आपका जो अपने जो लोग हैं इंडिया के, ठीक है, वो भी लोग इस स्टॉक पे, मतलब बड़े बड़े ट्रेडर भी इस स्टॉक पे अपने ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक पैसे लगा रखे होते हैं, राइट। अच्छा फिर चीज हमें क्या चाहिए, तो ये तो हो गए हमारे जो मेन चीजें हैं कि भाई हमें 100 रुपये से अधिक का जो है स्टॉक चाहिए और 1 लाख, कम से कम 1 लाख, कम से कम 1 लाख वैल्यूम चाहिए, इससे अधिक होगा कम होगा तो नहीं चलेगा, 1 लाख होगा या 1 लाख से अधिक होगा हमेशा ही, ठीक है। 1 लाख से अधिक होगा तो स्टॉक अच्छा है, मैनिपुलेट नहीं होगा। फिर हमें जो मैं पर्टिकुलर फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ भाई, तो हमें चाहिए कि हमारा जो क्लोजिंग जो होगा क्लोज, ठीक है, क्या क्लोज, जो प्राइस क्लोज होगा, जो प्राइस क्लोज होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, हमारा सिंपल मूविंग एवरेज से। अच्छा सिंपल मूविंग एवरेज में भी कौन सा दोस्तों, तो इसमें जो होगा वो होगा 10, 10, ठीक है, 10 मूविंग एवरेज जो होगा सिंपल मूविंग एवरेज 10, ठीक है, वो ग्रेटर देन, मतलब जो प्राइस होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा SMA 10, सिंपल मूविंग एवरेज जो है जिसका पीरियड 10 होगा उससे अधिक होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा क्लोज होगा, वो भी प्राइस क्लोज होना चाहिए
किससे? सिंपल मूविंग एवरेज, एक सेकेंड, सिंपल मूविंग एवरेज 50, ठीक है, 50 जो जो सिंपल मूविंग एवरेज का 50 पीरियड वाला जो है, ठीक है, उससे भी अधिक होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि भाई क्लोज होनी चाहिए प्राइस ग्रेटर देन किससे? सिंपल मूविंग, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ से हमें ऐसे में करना है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे 200, ठीक है। ये हमारा चीजें हैं जो चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। क्या क्या मैंने किया दोस्तों, प्राइस हमारा 100 रुपये से अधिक होना चाहिए, वैल्यूम 1 लाख से अधिक होना चाहिए, और तीन इंडिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज 10, 50 एंड 200, इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए तो हमारा जो है हमें वो स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, रन करेंगे, और रन करने के बाद हमारे पास स्टॉक आ चुके हैं, आप देख रहे हैं स्टॉक आ चुके हैं, ठीक है। ये पहला है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये तो BSC का एक है, ठीक है, तो आप उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NSC का मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूँ, BSC भी अच्छा है, काफी अच्छा है, आप BSC पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे DB लेबोरेटरीज है, डॉक्टर रेड्डी है, यूनाइटेड जो है, ब्रेवरीज लिमिटेड है, पावर ग्रिड है। तो चलिए मान लीजिए मैंने छोटा स्टॉक, देखिए यहाँ पे 213 रुपए का, मतलब 100 रुपए से सारे अधिक के प्राइस होंगे, ठीक है, और वैल्यू में देखिए 1 लाख से सारे के सारे अधिक होगा, 1 लाख से सारे के सारे अधिक होगा। और हमारे पास कितने डाटा फाइंड हुए, तो केवल 12 ही स्टॉक फिल्टर होके इस सेटिंग पे, इस फिल्टर पे 12 ही स्टॉक फिल्टर होके आए, ठीक है। तो हमारे पास ये 12 जो है फिल्टर होके आए। अभी हमें क्या करना है, हमने मान लीजिए पावर ग्रिड को यहाँ से ले लिया, पावर ग्रिड, ठीक है, तो हम अपने स्टॉक्स में गए और जो है यहाँ से पावर ग्रिड जो है हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और पावर ग्रिड ले लिया। अभी हमको क्या करना, हमें इसको थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे कर लिया मैंने, ठीक है, अभी अभी क्या करना होगा हमको, तो भाई इसको देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा ये जो हमने लेटेस्ट किया, ठीक है, आप अगर इसको 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट पे अगर करेंगे तो ये इंट्राडे के लिए काम करेगा, ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। जब भी आप जो है मिनट में जब करेंगे, मिनट में, तो ये आपका इंट्राडे के लिए होगा, और जब आप ओवरली या फिर समथिंग डेज पे काम करेंगे, वीक्स पे काम करेंगे, तो ये आपका जो होगा, ये आपका जो होगा इंट्राडे के लिए नहीं होगा, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। आप क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें भाई लेवल पे, आप अब जैसे कि आप अगर ट्रेड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, जाहिर सी बात है एक दिन के लिए तो करने वाले नहीं है, कम से कम 1 हफ्ते 1 महीने ऐसा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इसको मिनट्स में करेंगे तो ये इंट्राडे में काम आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो है अपने, चूंकि सबका लेवल अलग अलग है, कैपेसिटी किसकी कितनी है, कितने प्राइस को झेल सकता है, अब चूंकि इसमें क्या है, कैश आपको देना पड़ेगा, 213 रुपए 15 पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर पावर ग्रिड आप लेते हैं एक क्वांटिटी के लिए, तो भाई अभी 2600, अब आपके पास 3000 और 2600 का जो है डॉक्टर रेड्डी ले लीजिए तो नहीं हो पाएगा ना। तो मान लीजिए मैंने छोटा सबसे उठाया पावर ग्रिड का, आप चाहो तो डीवी लेबोरेटरीज भी उठाकर मैं अभी लेके दिखा देता हूँ, तो चलिए मैं पहले पावर ग्रिड को दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको 1 डे क्यों किया, 1 डे भाई क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेटेस्ट में जो मैंने जो किया हुआ है डेली का चार्ट किया है, मतलब 1 डे का चार्ट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 1 डे सेलेक्ट कर लिया, ये रहा 1 डे का चार्ट। देखिए दोस्तों आपने, आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या क्या चीज इसमें किया हुआ है, आप देखिए क्या क्या चीज किया हुआ है। तो क्लोज जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है वो चीज आप देख रहे हो, 10, 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको हमें यहाँ पे लगाना होगा, तो चलिए ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लगा लेते हैं हम मूविंग एवरेज, ठीक है, कौन कौन से, तो यहाँ से होगा पहले, चलिए चलिए 10 मैंने कर लिया, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 कर लिया सिंपल मूविंग एवरेज, चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद 50, उसके बाद 200, यहाँ पे जो है हमने तीनों चीज को यहाँ पे कलर, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लाइट कलर, चलिए ये कलर ले लिया मैंने, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आज जो है हम स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस होगा आपको मैं फिर से मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 वीडियोस और होंगे जो हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट से रिलेटेड होंगे,
काफी अच्छा शेयर होगा और उसमें कुछ नई चीजें भी जरूर इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई हम यहाँ पे जो है ट्रेड लाइन जो है इसका जो है ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, और दो ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक सेकेंड, ठीक है, मैंने यहाँ से देखा कि भाई मार्केट आ रहा है, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और सिंपल एक चीज़ और आपने क्या देखा कि भाई मार्केट जो है, ठीक है, ये इस वे में देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे गया, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड लाइन क्या कि ये इसको एज अ सपोर्ट जो है मान चुका है, जो हमने ट्रेड लाइन यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको एज अ सपोर्ट मान रखा है, समझ रहे हैं आप। तो चीजों को आप समझिए कि यहाँ से मार्केट उठ रहा है। दूसरी चीज कि आप देखिए तो ये कई दिनों से इस लेवल पे काफी ज्यादा जो है इस लेवल पे मान के चलिए इस लेवल के बीच में काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। आप देखिए देख रहे हैं आप इस लेवल के बीच में काफी दिन से जो है ट्रेड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं इस लेवल पे काफी दिन से, मतलब यहाँ से ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, यही है ना, नीचे आया ऊपर गया। अभी इसको अभी हायर हाई पोजिशन हमारा इस पे, आप चीजों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक का सिलेक्शन आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। आप देखिए अच्छा देखिए मैं किसी और को भी दिखा दे रहा हूँ, डीवी, ये आपका डीवी लेबोरेटरीज जो करके है, मैं इसको ले लेता हूँ एक सेकेंड, डीवी लेबोरेटरीज, राइट, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आप चीजों को समझिएगा कितने अच्छे से काम कर रहा है ये, ठीक है, और डीवी लेबोरेटरीज मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, मैं डीवी लैब, ठीक है, डीवी लेबोरेटरीज जो है मैंने इसको ले लिया और इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है, ये मैं लेके आया। वन डे का चार्ट होगा दोस्तों, आप देखिए कितना अच्छे से ये काम करेगा, ठीक है। वन डे का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया एक से, ठीक है, ये वन डे पे, और मैं यहाँ से सारे डाटा को यहाँ से कर रहा हूँ क्लियर, जो कि पिछले वाले पे ड्रॉ किया था, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। अब चीजों को समझिएगा, ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे हमने एक ट्रेड लाइन यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आप इस लेवल पे जो है मैंने केवल दो चीज को, इसको और इसको मिला लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिया, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना आता ही होगा आपको, ठीक है, ट्रेड लाइन ड्रॉ करा और अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज एक चीज और देखिए आप, क्या देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये फिर से इसको एज अ सपोर्ट मान रहा है, मार्केट यहाँ से उठा, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि बहुत दिनों से दोस्तों ये इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, देखिए आप देख रहे हैं आप, मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, देख रहे हैं आप, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, चीजें आप समझ चुके होंगे, मुझे अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, गया टच किया, नीचे आया टच किया, फिर ऊपर जाने की फिराक में, मतलब ये इसके नीचे नहीं आने को तैयार है, यहाँ से रिजेक्शन कर दिया है, समझ रहे हैं आप। तो हमें वेट करना होगा यहाँ पे, क्या इस लेवल को देख, इस लेवल को हमको वॉच करना होगा, ये लेवल 1660 का लेवल डेली बेसिस पे जो है इसको वॉच करना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को समझने के लिए, ठीक है। आप फिर उसके बाद खुद भी आप सोचेंगे कि ये तो और इजी है भाई, ठीक है, ये और भी इजी है, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा सा आप अभी देखिए, अभी मैं आपको जो है एक सेकेंड, ठीक, ओ शिट, ठीक है, तो अभी जो है आपको आपको जो है इसमें, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसमें काफी अच्छे से जो है, आप इस पर प्रैक्टिस अगर करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छे से जो है इसमें आप जो है महारत हासिल कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा जो है, ठीक है, ट्रेंड का दोस्तों, ट्रेंड का जो है, ट्रेड लाइन का जो है ड्रॉ करना बहुत ही अच्छा, ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ करना आता है तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट इसी से कर जाता है, कोई स्टॉक कोई और इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं लगाते हैं, केवल इस बेसिस पे प्रॉफिट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखिए दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा हूँ, HINDU, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ट्रेड लाइन काफी जो है फॉर्म में काम करता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट
इसमें मैं 10 मिनट या 5 मिनट के उस पर दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे ट्रेड लाइन से कितने लोग आपको जो है ठीक है कितने लोग जो है आपसे जो है काम कराते हैं। 1 सेकेंड से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ठीक है। और यहाँ से मैंने 5 मिनट का कर लिया ठीक है। आप देखिए अच्छा एक चीज देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको आज का ठीक है 5 मिनट का कर लिया ये लेवल है ठीक है ये लेवल है ना मार्केट यहाँ से ये देखिए आप। तो अभी आपने क्या समझा कि भाई देखिए 9:15 के बाद से चीजें रिजेक्शन कर रहा है ठीक है चीजें यहाँ पे रिजेक्शन किया आपने देखा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन किया। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा ड्रॉ भी कैसे करेंगे तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको जैसे मान लीजिए अगर ड्रॉ करते हैं ठीक है चीजों को ड्रॉ कर यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया भाई यहाँ से रिजेक्शन किया आपने यहाँ पे जैसे सपोर्ट एक लेवल लगा दिया हॉरिजॉन्टल है। आप देखिए मार्केट ऊपर गया जैसे इसने ब्रेक किया डेफिनेटली ऊपर जाने की फिर कोशिश की लेकिन देखिए एज अ रेजिस्टेंस इसको मान लिया है ना। अच्छा देखिए मैं दूसरी चीज और दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे यहाँ देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए ये देखिए आप यहाँ पे आप ट्रेड लाइन देखिए जैसे मान लीजिए आपने देखा कि भाई इस लेवल को बार बार रिजेक्शन कर रहा है किस लेवल पे दोस्तों तो देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर इस बार बार एक ही चीज पे जब रिजेक्शन कर रहा है मतलब ये लाइन पीछे भी देखिए देख रहे हैं आप ये लाइन। अच्छा और चीज मैं देखिए दिखा रहा हूं आपको आज ये लाइन देख रहे हैं आप मार्केट ने कल जिस लेवल से रिजेक्शन किया आज भी उसी लेवल को उसने बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग लेवल था वो जिसको ब्रेक नहीं कर पाया समझ रहे हैं आप। कल की मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बोला था आपने पता नहीं और देखा अगर मेरे पूरे वीडियोस देखा हो मैंने उसमें बोला हुआ है कि दोस्तों 3:25 का जो कैंडल होता है ना 3:25 का जो कैंडल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग लेवल होता है हमेशा ही। जब भी मार्केट गैपिंग नहीं जब भी मार्केट एक लेवल से ऊपर जाता है 3:25 को ब्रेक कर दिया सारा ब्रेक कर दिया डेफिनेटली वो ऊपर ही निकल लेता है और अगर क्लोज कर देता है तो उसको 3:25 को तोड़ने में आधी तूफान आ जाती है अगर तोड़ दिया फिर भागेगा ठीक है तोड़ दिया तो भागेगा समझ रहे हैं आप। तो चीजों को आप देखिए इसने इसको ब्रेक किया इसके हायर को यहाँ पे देखिए। अच्छा यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करना तो कैसे करेंगे तो देखिए चूंकि यहाँ पे रिजेक्शन दिया हुआ है लंबा तो यहाँ पे ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ देखिए यहाँ से उठाया दो लेवल को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए चीजें देखिए समझ में आ जाएंगे आपको छोटा कीजिए ठीक है और इसको उठाइए ये लीजिए आप समझ रहे हैं। तो देखिए मार्केट क्या किया आया इसको नहीं ब्रेक कर पा रहे और आज भी यही हुआ अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो डेफिनेटली जो है ये नीचे आएगा उससे ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाकी हैं ठीक है। तो आप होप सो कि चीजों को समझ रहे होंगे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना अगर नहीं आता तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा और आप थोड़ा सा जिस लेवल को मैंने अभी बताया ठीक है जिस लेवल को मैंने बोला वॉच करने के लिए आप उसको वॉच कीजिए डीवी स्लैब में और आप स्टॉक इसकी स्कैन को ठीक है चार्टिंग पे कीजिए या आपका जो भी पर्टिकुलर जिस पे आप आपको अच्छा लगता हो स्कैन करना ठीक है आप स्कैन कीजिए फिल्टर कीजिए चीजों को ठीक है और जो चीज मैंने बताया आप उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और देखिए कि क्या क्या चीजें और हो रही है उसमें ठीक है किस लेवल को ब्रेक करने के बाद वो चीजें। देखिए पेपर वर्क पहले जरूरी है हमेशा ही पहले खुद का एक्सपेरिमेंट जरूरी है ठीक है। तो आप क्या करें स्कैन करें चीजों को फॉलो करें और चीजों को जो है स्टॉक को चेक करें कि भाई इस लेवल पे काफी ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है ठीक है हमें मिल रहा है तो क्या इस चीजों को ब्रेक करने का तो वाकई में मार्केट ऊपर गया या फिर वहां से रिजेक्शन करके नीचे आया ठीक है। हो सकता है भाई मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ हो सकता है कि मार्केट इसको टच करने के बाद हो सकता है कि ऐसे ही लोअर लो फॉर्मेशन बनाया फिर से यहाँ पे आए हो सकता है इसको क्रॉस ना करें ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है ठीक है। तो भाई हो सकता है ना कि इसको ब्रेक ना करे हो सकता है कि जैसे पिछली बार जो है मार्केट ने टच किया फिर वहां से लोअर लो बना दिया है ना तो वो चीजें आप जो है यहाँ पे फिर से चेक करें कि ये हो रही है या फिर इसको क्रॉस ओवर कर रहा है इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और हायर पोजिशन बना है वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये रही हमारे स्टॉक सिलेक्शन की बात जो कि
स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। अभी जो है हमारा जो मेन काम होगा वो होगा कि हम इस चीजों को पहले फॉलो करें। दूसरी चीज कि जो हमारे दो वीडियोस होंगे, अगला फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो टारगेट और स्टॉप लॉस से रिगार्डिंग होंगे, तो पहले आप इस चीज को जो है इस पे जो है आप अपना फोकस करें, थोड़ा सा इस पे मेहनत करें और चीजों को परखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, बताने वाले बहुत है लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी यार, ठीक है। सारा प्रैक्टिस करके कोई दूसरा थोड़ी देगा आपको, करना तो आपको खुद पड़ेगा ना। तो चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से, और स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत पैसे बनते हैं, आप भरोसा कीजिए। दम मतलब जो उसकी लॉस होती है ना, लॉस परसेंटेज वो बहुत कम हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन एक स्विंग ट्रेडिंग जो है, अगर आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करना अगर आ गया तो, ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ करना आ गया तो, नहीं तो दोस्तों गलत तरीके से आप चीजों को ड्रॉ कर लीजिए, जैसे गलत तरीके से ड्रॉ कर लीजिए भाई, ये नहीं, ये नहीं, ये, क्योंकि आप एक चीज मान लो आपने YouTube पे या बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो ट्रेड लाइन के बदौलत ही इंट्राडे में स्टॉक जो है ना ले लेते हैं, ठीक है, फिल्टर करते हैं स्टॉक को, लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, फिर उस चीज को फॉलो करते हैं, भाई यहां से ये चीजें हो रही है, ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर पे दिखाया, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैंने दिखाया कि भाई मार्केट यहां से उठा और इस लेवल के ऊपर, ठीक है, यहां से मार्केट उठा, जैसे कि मैंने जो आपको बताया, ठीक है, मार्केट यहां से उठा ये चीज, ठीक है, और भाई पकड़ के चलते जा रहा है, नीचे नहीं आया, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगर स्विंग ट्रेडिंग आती होगी, उन्होंने पोजिशन अगर बनाया होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली काफी अच्छा मूवमेंट दे गया, दो ही दिन में दे गया, कल का ये रहा आज का ये रहा, है ना। जिनको स्टॉप लॉस पता, टारगेट पता, वो अपना लेके निकल लिए। तो वो चीजें थोड़ा सा फोकस करो और चीजों को फिर बारीकी से ध्यान में लेके आओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और होप सो कि आप चीजों को समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, tradingindia19@gmail.com, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई स्ट्रेटजी, नई चीजें स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।